उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का किया गया समापन कार्यक्रम। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय में आज नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का समापन कार्यक्रम किया गया। नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह और नगर निगम के महापौर राम तीरथ सिंघल पहुंचे। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने बताया कि वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन दिया गया है और धन जन योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते खोले गए हैं तथा लगभग 12,000 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को तथा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आवास दिया गया है। खुले में शौच मुक्त देश बनाने के लिए 1.7 करोड़ शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय ने परिवार के महत्व को समझाया और परिवार में महिलाओं के प्रमुख योगदान पर विस्तार से चर्चा की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के विरोध में चल रही योजनाओं के बारे में बताया और पुरुषों को नारी सशक्तिकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी संदेश दिया। झांसी से दुर्गा शंकर दीक्षित की रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह। हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।